Hey guys, as we all know, Ekta Kapoor and Sunny Leone had made an appearance on Comedy Nights with Kapil to promote their upcoming film Ragini MMS 2. We have an exclusive interview for you where Ekta talks about the strategies to promote their films and also talks about Sunny Leone. Here is an exclusive interview. Check it out. मैं यहाँ इसलिए आई हूँ because मुझे मैंने सुना है कि मैंने देखा भी है थोड़ा बहुत इसमें बहुत मस्ती होती है और मेरी लाइफ में मस्ती की कमी है इसीलिए मैं थोड़ा एंजॉय करने आई हूँ या टू हैव अ स्ट्रेस रिलीविंग मोमेंट सनी आप क्या कहना चाहेंगी वेल वी रियली हैप्पी टू बी ऑन द शो टुडे एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव हर्ड अबाउट द शो एंड आई हैव हर्ड अबाउट हाउ अमेजिंग इट इज एंड इट्स गुड दैट वी कैन कम हियर टू प्रमोट बेबी डॉल एंड चार बॉटल वोडका एंड ऑब्वियसली रागिनी एमएमएस टू रीता जी आपकी हर एक मूवी को लेकर प्रमोशन स्ट्रेटजी बहुत अलग होती है आउट ऑफ द बॉक्स होती है तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है आप के सामने खड़े हैं दो आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशनल चीजें मैं और सनी साथ में प्रमोट कर रहे हैं सो आई मीन ऑनेस्टली यू हैव सनी हु इज गॉर्जियस एंड मी हु इज You're gorgeous as well. You know, don't just not saying, give yourself credit. I'm just saying, so we're trying together to promote the film. ये इस फिल्म की नॉवेल्टी है क्या लगता है कि आज आप कपिल को डरा पाएंगी या नहीं आप दोनों मिलकर रागिनी एमएमएस 2 जिस तरह से हॉरर मूवी है कपिल लोगों को हंसाते हैं क्या कुछ प्लान है कपिल हमें हंसाए और हम लोगों को डराते जरूर है पर वो थिएटर के अंदर थिएटर के बाहर नहीं वैसे आप कॉमेडी नाइट फॉलो करती है मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता टेलीविजन देखने का और पर्सनली भी मैं टीवी कम देखना शुरू कर दिया बिकॉज मैं फिर अपना काम कर नहीं पाती हूँ यू नो और आप फॉलो करती हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को आई हैवंट बट आई हैव डेफिनेटली हर्ड सो मच अबाउट द शो माय मदर इज एन ऑब्सेसिव फैन सबसे अच्छा एपिसोड आपको कौन सा लगा अभी तक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल मेरी मॉम ने देखा था एंड शी हैड गॉन एब्सोल्युटली ऑब्सेसिव अबाउट एक एपिसोड था जिसमें आई थिंक अपना सलमान जी थे तो वो एपिसोड उनको बहुत अच्छा लगा और कॉमेडी नाइट्स में सब कैरेक्टर में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ बट एज आई सेड माय फेवरेट कैरेक्टर वुड बी व्हाट आई हियर एंड आई एम लिटिल बिट ऑफ कैच कॉट इट वुड बी द ड्रंक दादी रागिनी की ऑलरेडी फ्रेंचाइजी है तो आपको नहीं लगता कि इट वुड बी इजीयर फॉर द फैंस एंड व्यूअर्स टू गेट इनटू द थिएटर्स क्योंकि ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी है तो आपको बहुत इजी हो गया देखिए मैं आप जो कह रहे हो इट्स म्यूजिक टू माय इयर्स आई एम होपिंग जो आप कह रहे सही हो कि इट्स इजीयर पर हमारा काम तो हमारा काम है वो पिक्चर को प्रमोट करना वो करने आए ओके आप दोनों से एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि एक सवाल जो हमेशा कपिल उनका सिग्नेचर क्वेश्चन है जो पूछते हैं क्या आप दोनों ने कभी सपने में भी सोचा था कि आप लोग कपिल के सेट पे किसी दिन आएंगे नहीं मैंने तो नहीं सोचा था जिस तरह से फिल्म के प्रोमो को रेस्पॉन्स मिल रहा है आप मानती है कि आधी जंग जीती जा चुकी है और आप शायद ये इस बात का भी यकीन करती है कि आपने सनी को सबसे बेहतर तरीके से पेश किया है I'm so glad you said that. I want to blush. But actually, Sunny is a behtareen actor hai and a bahut hi respectable lady actor hai jinke sath mujhe honor ho raha hai ki main aise acche actor ke sath kaam karne ka mauka mil raha hai. And I honestly believe ki I'm hoping ki as a good producer, I have tried my best to present my actor in the best possible way and I hope she's happy. If you like the video, please hit the like button and leave your comments below. Don't forget to subscribe to Telebuzz for more daily television updates.